स्टूडेंट्स ओपन योर मैथ टेक्स्ट बुक्स ऑन पेज नंबर 64। देयर आर थर्ड नंबर लेसन मेजरमेंट लुकिंग बैक मीटर्स एंड सेंटीमीटर। तो जो आप सेकंड स्टैंडर्ड में आपको टीच किया है ओके? तो उसमें आज हम फिर से देखेंगे मीटर्स एंड सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट देखिए 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर होता है ओके? देन है किलोग्राम्स एंड ग्राम। तो 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम होता है। फिर से 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम होता है, आपको लर्न करना है। देन है लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। जो लिक्विड वाले फॉर्म्स होते हैं, लिक्विड वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको हम लीटर्स मिलीलीटर में मेजर करते हैं। तो 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर, ठीक है। अगर आप गए किसी के पास तो आप 2 kg ऑयल चाहिए ऐसा नहीं कहने वाले, 2 लीटर ऑयल चाहिए वैसे ही। तो देखिए यहाँ पे 1000 मिलीलीटर है यानी 1 लीटर होता है, आपको लर्न करना है। देन मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ, देखिए जो आपकी रूलर्स होती है 0 से लेके 100, ये क्या है टोटली मीटर से 0 से 100 तक की मीटर, ठीक है। आपकी 50 सेंटीमीटर के होते हैं, तो उसमें जो है 0 से 10 उसे कहते हैं डे सेंटीमीटर। ये जो है डिस्टेंस उसे कहते हैं डे सेंटीमीटर, ये टोटली है मीटर। देन डे सेंटीमीटर को डीएम लिखते हैं, ठीक है। द विड्थ ऑफ योर हैंड इज ए 1 डे सेंटीमीटर। तो हमारी जो हाथ की हमारी जो बॉडी है उसका जो हैंड है वो सिर्फ 1 डे सेंटीमीटर का है, इतना ही है समझो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मीटर्स टू डे सेंटीमीटर दिया है, 1 मीटर इक्वल टू 10 डे सेंटीमीटर होता है, ठीक है। टू चेंज मीटर टू डे सेंटीमीटर, अगर हमें डे सेंटीमीटर मीटर चेंज करना है मीटर को डे सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हमें 6 मीटर दिया है, तो हम क्या लिखेंगे 6 × 10 dm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर यानी 10 डे सेंटीमीटर होता है। तो 6 मीटर यानी कितने होंगे, तो 6 × हम क्या करेंगे अभी 10 डे सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिट चेंज हो गया, 6 × 10 करेंगे तो 60 डे सेंटीमीटर हो जाएंगे ओके? क्योंकि हम डे सेंटीमीटर के कन्वर्ट कर रहे हैं। देन 13, तो करेंगे हम 13 × 10 डे सेंटीमीटर, 13 × 10 किए तो 130 एंड डे सेंटीमीटर का साइन, जब हमें मीटर से डे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तब। ये आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 14 मीटर एंड 6 डे सेंटीमीटर दिया है। तो पहले हम 14 मीटर को डे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 14 × 10 dm इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, प्लस 6 डे सेंटीमीटर। तो 14 × 10 होते हैं 14 डे सेंटीमीटर प्लस 6 डे सेंटीमीटर, क्योंकि एक्चुअली हमें डे सेंटीमीटर में दिया है तो 10 लेने की जरूरत नहीं है। तो 140 प्लस 6 यानी 146 डे सेंटीमीटर का साइन ओके? नेक्स्ट है डे सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर में अब हम कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि 1 मीटर यानी 10 डे सेंटीमीटर होता है, तो वैसे ही 1 डे सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर ओके? तो यहाँ पे देखिए हमें 6 डे सेंटीमीटर है उसको, सॉरी हाँ उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तब 6 × 10 सेंटीमीटर लिया, 6 × 10 = 60 सेंटीमीटर का साइन। देन है 17 डे सेंटीमीटर, उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम 10 से क्या करेंगे उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 70 × 10 सेंटीमीटर का साइन, 70 × 10 होते हैं 170 और सेंटीमीटर यूनिट आपको लिखना है। देन है 5 डे सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से, तो हम यहाँ पे डे सेंटीमीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 5 × 10 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर वैसे के वैसे। देन 5 × 10 कितने होते हैं 50 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, 50 + 3 = 53 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है स्टूडेंट, याद करना है, रिमेम्बर करना है, लर्न करना है ओके? नेक्स्ट है मीटर टू सेंटीमीटर। तो जब हमें मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना हो तो आपको रिमेम्बर करना है सिर्फ 1 मीटर यानी होते हैं 10 डे सेंटीमीटर, जो मैंने अभी टीच किया, वैसे ही 1 डे सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर ओके? देखिए मीटर को शॉर्ट में एम लिखते हैं, डे सेंटीमीटर को डीएम लिखते हैं, सेंटीमीटर को सीएम लिखते हैं ओके? तो देखिए यहाँ पे दिया है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर ओके? और 1 मीटर यानी 10 डे सेंटीमीटर होता है, वैसे ही 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए अब हम मीटर टू जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 14 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैंने अभी आपको सिखाया 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 100 सेंटीमीटर ओके?
14 इंटू 100 होते हैं 1400, ये दो जीरो इसे भी यहाँ पे बड़ा देना है, 1400 सेंटीमीटर। देन है 6 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर से, तो पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। 6 इंटू 100 ब्रैकेट में ले लिया, देन सेंटीमीटर यूनिट प्लस 5 सेंटीमीटर, 6 इंटू 100 होते हैं 600 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, देन 600 प्लस 5 होते हैं 605 सेंटीमीटर का साइन। देन 38 मीटर प्लस 28 सेंटीमीटर, तो पहले हम 38 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, यानी इंटू 100 कर देंगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 21 सेंटीमीटर। देन 38 इंटू 100 सेंटीमीटर यानी होते हैं 3800 सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर, फिर इन दोनों की एडिशन करेंगे 3821 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से आपको ये कन्वर्ट करने हैं और देन इसके ऊपर डिपेंड जो एक्सरसाइज दी है वो आपको सॉल्व करनी है मैथ की नोटबुक में। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट्स मीटर टू डे सेंटीमीटर। अभी हमें कन्वर्ट करना है मीटर से डे सेंटीमीटर, तो मैंने अभी आपको सिखाया था 1 मीटर यानी 10 डे सेंटीमीटर, तो आपको जो यहाँ पे प्रॉब्लम दे उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है। 9 मीटर यहाँ पे दिया है, तो हम करेंगे नेक्स्ट इसमें 9 × 10 तो कितने हुए 90 डे सेंटीमीटर। ओके, इस तरह ये प्रॉब्लम का जो आंसर से मैंने अभी आपको बताया। बी नंबर में है 15 मीटर, 15 × 10 करेंगे तो 115 डे सेंटीमीटर, ऐसे आपको लिखना है। देन है 4 मीटर प्लस 7 डे सेंटीमीटर है। ओके, तो इसको सॉल्व करते वक्त आपको पहले करना है 4 × 10 यानी 40, ठीक है, देन 7 तो 47 डे सेंटीमीटर, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो बाकी की जो प्रॉब्लम्स है आपको घर पे सॉल्व करना है होमवर्क में। ओके, या आप ये डायरेक्टली जैसे आप किताब में प्रोसेस दिए उसी तरह से भी आप कर सकते हो या डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है कन्वर्ट डे सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर। अभी हमें डे सेंटीमीटर से लेके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको सिखाया था 1 डे सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 डे सेंटीमीटर दिया है, तो उसे कन्वर्ट करते वक्त 5 × 10 कितने होते हैं, यहाँ 5 को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 सेंटीमीटर। वैसे यहाँ बी में दिया है 6 डे सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर है, पहले हम डे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 6 × 10 होते हैं 60, बाद में 3 सेंटीमीटर में ऐड कर देंगे यानी 63 सेंटीमीटर। ओके, वैसे ही रिमेनिंग प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है कन्वर्ट मीटर्स टू सेंटीमीटर, मीटर से लेके हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अभी मैंने आपको समझाया था 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो हमें 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 6 मीटर यानी कितने सेंटीमीटर होते हैं, 6 × 100 करेंगे तो 600 सेंटीमीटर। ओके, देन बी है 10 मीटर, 10 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है, 10 × 100 कितने हुए 1000 सेंटीमीटर। ओके, देन है 6 मीटर 2 सेंटीमीटर, पहले हम क्या करेंगे 6 मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करते वक्त 6 × 100 करेंगे 600 प्लस 2 सेंटीमीटर यानी 602 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं मैथ की नोटबुक में, साथ में किताब में। ओके, यहाँ पे शॉर्ट प्रोसेस जो है मैंने अभी डायरेक्टली आपका आंसर बताया आपको, किताब में जो प्रोसेस है उस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके, उसकी स्टेप बाय स्टेप या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे मेजरमेंट इन सेंटीमीटर्स। तो देखिए जो आपके रूलर्स होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है 15 सेंटीमीटर की होती है, 0 से लेके 15 तक नंबर्स होते हैं उसमें सेंटीमीटर की, तो जो भी हम मेजर करते हैं, जैसे यहाँ पे पेंसिल को मेजर किया है 0 से लेके 6 तक है पेंसिल से, तो हम कह सकते हैं दिस पेंसिल इज 6 मीटर लॉन्ग, कितने हैं 6 मीटर लॉन्ग से। अभी यहाँ पे देखिए ये पेंसिल्स यहाँ 0 से स्टार्ट हुई और यहाँ देखिए बीच में यानी 8 के बाद जो है यहाँ पे 9 दिख रहा है हमें, 8 और 9 के बीच में है या 9 के पास है, इसलिए हम कह सकते हैं उसे 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर पॉइंट में लिखना हो तो ये 8.7 सेंटीमीटर ऐसे भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ ए मास एंड कैपेसिटी। मास एंड कैपेसिटी, जब भी हमें कोई चीज मेजर करनी हो तो उसे हम क्या करते हैं किलोग्राम लीटर्स इसमें मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये 500 ग्राम का यहाँ पे हमें वेट दिख रहा है,
ओके सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो है 100 ग्राम है, ये 200 ग्राम, ये 500 ग्राम और ये 1 kg। तो देखिए 1 kg यानी थाउजेंड्स ग्राम होते हैं, ठीक है, आपको फर्स्ट सेकंड में सिखाया है। देन 1 kg यानी होते हैं 500 ग्राम, यानी 500 ग्राम के हम दो वेट ले सकते हैं 1 kg अगर हम मेजर करना हो। फिर से हम 1 kg को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, 200 ग्राम के 5 वेट ले सकते हैं, 200 प्लस 200 400 प्लस 200 600 प्लस 200 800 प्लस 200 1000, यानी कितने हुए 1000 ग्राम, यानी 1 kg। या उसे हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं 1 kg यानी 100 ग्राम के 10 वेट ले सकते हैं, कितने 10। देखिए 100 प्लस 100 200 प्लस 300 प्लस 400 प्लस में 100 में लाएंगे 500 प्लस 600 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 1000 यानी 1000 ग्राम। यानी 1 किलोग्राम हमें जब मेजर करना हो तब हम 100 ग्राम के 10 वेट लेंगे, 200 के 5 लेंगे, 500 के 2 लेंगे और 1 kg का सिर्फ एक ही लेंगे। ओके, वैसे ही लीटर का है, 1 लीटर यानी होते हैं 1000 मिली लीटर्स। ओके, तो 1 लीटर को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, 500 मिलीलीटर प्लस 500, फिर से 200 मिलीलीटर्स के हम 5 जो वेट ले सकते हैं। देन 1 लीटर को मेजर करना हो तो फिर से 100 मिलीलीटर के हम मेजरमेंट ले सकते हैं और 10 टाइम लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, ऑयल या दूध हो, ठीक है, मेजर करने के लिए। ये आपको लर्न करना है, इस पे ही एक्सरसाइज 3.2 डिपेंड्स है। तो चलिए देखते हैं, मेक द स्केल बैलेंस बाय राइटिंग एंड ड्रॉइंग द एक्स्ट्रा वेट नीडेड। यहाँ पे हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करते वक्त हमें कितने मेजरमेंट की यानी वेट की जरूरत होगी जो दोनों सेम आने के लिए यहाँ पे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ 1 kg है, यहाँ पे 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम, 2 + 2 + 2 होते हैं 6, तो वहाँ पे 200 है यानी 600 ग्राम, ठीक है। तो जाइए देखिए 600 ग्राम तो हमें कितनी वेट की और जरूरत होगी, तो 600 ग्राम प्लस 400 ग्राम टोटली होते हैं 1000 ग्राम, तो हमें 400 ग्राम की जरूरत होगी। वैसे देखिए 1 kg यहाँ पे है 500 प्लस 200 हो गए टोटली 700 ग्राम प्लस 100 यानी 800 ग्राम, तो हमें 1000 ग्राम होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए कितनी ग्राम की जरूरत होगी, तो आपको डायरेक्टली आंसर बताती हूँ। एक तो क्या करना है आपको, 1000 - 800 करने यानी 200 आंसर आ जाएंगे, या आपको 1000 तक काउंट करना है। ओके, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है आपकी किताब में, साथ में नोटबुक में। नेक्स्ट है 1 kg और यहाँ पे सिर्फ है 500 ग्राम, तो और कितनी जरूरत होगी, मैंने अभी आपको सिखाया था 500, अगर हमें 1000 ग्राम कंप्लीट करना हो तो 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम लेना पड़ेगा, यानी 500 के 2 वेट लेने से पड़ेंगे। देन है 1 kg यानी 500 ग्राम प्लस 100 ग्राम है, 5 + 1 होते 6 यानी 600 ग्राम यहाँ पे दिया है, टोटली हमें चाहिए 1000 ग्राम, तो 600 ग्राम में हम 400 ग्राम ऐड कर देंगे, तो हो गए 1000 ग्राम, या माइनस भी आप कर सकते हो, 1000 ग्राम माइनस 600 तो 400 आंसर मिल जाएगा। देन 1 किलोग्राम इक्वल टू 500 ग्राम यहाँ पे है और 200 है, टोटली 700 ग्राम है, हमें और कितनी ग्राम की जरूरत होगी, तो 300 ग्राम की जरूरत होगी, 700 प्लस 300 टोटली होते 1100 और ग्राम का साइन। ओके, देन यहाँ पे देखो द जग होल्ड्स 1 लीटर, एक जग में सिर्फ 1 लीटर पानी बैठता है, उसमें मेजर होता है, ठीक है। विल द ग्लासेस फिल अप द जग, क्या यहाँ पे ग्लासेस दिए उससे वो जग फिल हो जाएगा, टोटली कंप्लीट हो जाएगा, पूरा यहाँ तक पानी आएगा क्या, यह हमें देखना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक हमें करके दिया है, जैसे यहाँ पे इनफ ठीक है, एक्स्ट्रा यानी उससे ज्यादा, लेस यानी कम। तो देखिए यहाँ पे एक, इसमें सिर्फ 1 लीटर ही पानी इसमें क्या होता है, समाता है सिर्फ 1 लीटर। ओके, 1 लीटर यानी होते हैं 1000 मिलीलीटर्स। देखिए यहाँ पे 200 + 200 + 200 + 200 टोटली अगर हम इसके एडिशन करेंगे तो 800 मिलीलीटर होता है, और यहाँ हमें चाहिए टोटली 1000 मिलीलीटर, राइट। तो देखिए यहाँ कम हो जाएगा, थोड़ा कम रहेगा, इसलिए लेस पे टिक किया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 200 मिलीलीटर + 200 + 200, यानी टोटल कितने हुए, 2 + 2 = 4 + 2 = 6, 600 मिलीलीटर हुए, और हमें अभी 1000 मिलीलीटर के कितने चाहिए, 400 मिलीलीटर, यानी लेस ही होगा।
उससे भी थोड़ा कम ही होगा। देन यहाँ पे देखिए 500 प्लस 200 प्लस 500 का दिया है, 500 प्लस 500 कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर हो गए। देन 200 एक्स्ट्रा, यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे पानी मिला है, यानी यहाँ एक्स्ट्रा में टिक करोगे। देन यहाँ पे देखिए 500 प्लस 200 होते हैं 700, देन 200 900 प्लस 100 यानी होते हैं 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर, राइट है, यानी इनफ बराबर है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। देन 500 प्लस 200 प्लस 200, 5 प्लस 2 होते हैं 7, 7 में 200 मिलाएंगे हम 900, 900 2 मिलाएंगे तो 1100, यानी 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर और उससे 100 लीटर एक्स्ट्रा, सॉरी 100 मिलीलीटर एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा में जाएगा, तो यहाँ पे टिक करेंगे। देन 200 प्लस 200 होते 400 मिलीलीटर, देन 200 प्लस 200 4 प्लस 4 8, यानी 800 मिलीलीटर, यानी 200 हमें कम गिरते हैं इसलिए लेस में हम इसे टिक करेंगे। ओके, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, आपके मैथ के नोटबुक में सॉल्व करना है, साथ में टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करके उसके फोटोज मुझे सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने एक्सरसाइज 3.1 3.2 ये मैंने टीच की है, तो ये आपको प्रॉपरली वीडियो एंड तक देखना है, अंडरस्टैंड कर लेना है, देन एक्सरसाइज सॉल्व करके उसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम स्टॉप हियर, थैंक यू।